क्या आपको अपने लैपटॉप को रीसेट करने की रिक्वायरमेंट है? आप अपना लैपटॉप रीसेट करना चाहते हैं किसी वजह से? तो आज हम आपको बताएंगे कैसे आप अपना लैपटॉप रीसेट कर सकते हैं एंड लैपटॉप रीसेट करने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये भी हम आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। जानने के लिए इस वीडियो कंटिन्यू शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीसी कंप्यूटर हिंदी। तो दोस्तों, लैपटॉप रीसेट करने के लिए आपको सिंपल सा करना क्या है, सिंपल सा आपको नीचे सर्च बार में जाना है, यहाँ पर टाइप करना रीसेट। अब जैसे ही रीसेट टाइप करेंगे यहाँ आएगा रीसेट दिस पीसी, आपको सिंपल सा इस पर क्लिक कर देना है। एंड मैं आपको कुछ बातें बता दूँ रीसेट से रिलेटेड। देखिए दोस्तों, रीसेट तब करें आप जब आपके लैपटॉप की सेटिंग कुछ डिस्टर्ब हो गई है या आपने कुछ चेंज कर दिया है और आपको लैपटॉप पर काम करते समय काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, या फिर आपके कंप्यूटर में मालवेयर वायरस है या कंप्यूटर हैंग हो रहा है, कंप्यूटर बार बार प्रॉब्लम कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी आप रीसेट कर सकते हैं। दोस्तों अब आपको करना क्या है, यहाँ पर है गेट स्टार्ट, आपको सिंपल सा इस पर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे, कीप माई फाइल्स एंड रिमूव एवरीथिंग, आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपकी सी ड्राइव छोड़कर जो भी ड्राइव की फाइल्स एंड फोल्डर, इमेजेस, सॉन्ग्स, वीडियो जो भी कुछ है वो रहेंगे, ठीक है। और आपकी सी ड्राइव एंड डाउनलोड एंड डॉक्यूमेंट, ये सारे फोल्डर फाइल्स इसके अंदर जो हैं वो डिलीट हो जाएंगे। एंड आप इसको सिलेक्ट करते हैं रिमूव एवरीथिंग को, तो आपकी जितनी ड्राइव है, जितना डाटा है, सी डी जो भी कोई एक्स वाई जेड ड्राइव है, उस ड्राइव का सभी डाटा रिमूव हो जाएगा, ठीक है। आपको पहले एक चीज़ और मैं डिस्कस कर दूं यहाँ पर। दोस्तों जब भी आप रीसेट करें तो यहाँ पर दिस पीसी में जाना है आपको, एंड यहाँ पर डाउनलोड में जो डाटा है आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। अगर रीसेट होगा तो डाउनलोड वाले सारे फोल्डर फाइल्स सब डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आपको फाइल्स एंड फोल्डर का बैकअप लेना होगा, ये फाइल्स को कॉपी करना होगा, तो जब भी रीसेट होगा तो ये भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप पर डिपेंड करता है आपको कौन सा सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों ज़्यादातर तो केवल सी ड्राइव को ही करते हैं, यानी कि कीप माई फाइल्स, आपको सिंपल सा इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और आप पर डिपेंड, आपको पूरा लैपटॉप को रीसेट करना है तो आप नीचे वाला भी सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और मैं इसको जल्दी से क्लोज कर दूंगा क्योंकि मुझे रीसेट नहीं करना। सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए गेटिंग स्टार्ट रेडी, तो मैं यहाँ पर कैंसिल करता हूँ, है ना। तो इस तरह से आप रीसेट कर सकते हैं। इन दोनों के फायदे नुकसान मैं बता दूँ, तो सबसे पहले मैं फायदे में आपको बता देता हूँ, लैपटॉप रीसेट करने से आपके सभी फंक्शन और टूल की सेटिंग डिफॉल्टेड हो जाती है, ठीक है। दूसरा फायदा ये है कि दोस्तों आपका लैपटॉप ऐसा हो जाता है जैसे कि आपने अभी खरीदा है, पहले जैसी जो सेटिंग थी खरीदते समय वैसी हो जाएगी। एंड आपके लैपटॉप के अंदर सभी प्रकार के वायरस, मालवेयर सब पूरी तरह से डिलीट हो जाती है, सारी फाइल्स से रिमूव हो जाती है। एंड आपके लैपटॉप की ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ जाती है, आपके लैपटॉप की हैंगिंग प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। लैपटॉप रीसेट करने के ये फायदे हैं। मैं आपको नुकसान भी बता देता हूँ दोस्तों, लैपटॉप रीसेट होने के बाद डाउनलोड होल्डर और डॉक्यूमेंट फोल्डर, सी ड्राइव की सभी फाइल्स पूरी तरह से डिलीट हो जाती है। लैपटॉप रीसेट होने के बाद आपको अपने लैपटॉप के अंदर फिर से सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डालने होंगे, जैसे कॉरल ड्रो, एमएस वर्ड, ऑफिस, फोटोशॉप, जो भी एक्सपायर्ड आप यूज करते हैं, एंड इंटरनेट ब्राउजर। तीसरी बात यह है कि आपने लैपटॉप के अंदर जो डिफॉल्ट सेटिंग की अपने हिसाब से वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो चौथी ये प्रॉब्लम है कि लैपटॉप रीसेट होने में काफ़ी टाइम लगता है, जिससे आपको एक दिन अपने लैपटॉप पर काम रोकना होगा, तो लैपटॉप रीसेट करने की ये नुकसान थे। अब दूसरी बात आपको मैं बता दूँ दोस्त, टाइमिंग पीरियड, आपको कितना समय लगेगा रीसेट होने में। देखिए दोस्तों, आपके लैपटॉप में वायरस ज़्यादा है, फाइल्स ज़्यादा हैं, तो आपको 8 से 10 घंटे लग सकता है, ठीक है। अगर आपके वायरस कम है और ज़्यादा फाइल्स नहीं है तो 2 या 4 घंटे में आपका रीसेट हो जाएगा। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जब आप लैपटॉप रीसेट करते हैं तो समझिए आप अपने लैपटॉप को फॉर्मेट कर रहे हो। बस यहाँ पर फॉर्मेट करते समय जो विंडो इंस्टॉल करने का ऑप्शन आता है, आपको 7 डालनी है 8 डालनी है 10 डालनी है, वो ऑप्शन फॉर्मेट करते तब आता है, लेकिन रीसेट में ऐसा कुछ नहीं होता। रीसेट में केवल आपके पूरा कंप्यूटर फॉर्मेट हो जाएगा, बस विंडो वही इंस्टॉल होगी जो पहले से इंस्टॉल है, ठीक है, ऑलरेडी जो है वही होगी। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों, इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।